हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 9 कराची बोर्ड मॉडल पेपर 2023। इसके 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब हम रिमेनिंग जो है 9 से लेकर 11 13 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्टेट फैराडेस लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमें स्टेट करना है, यानी सिर्फ डेफिनेशन और स्टेटमेंट बता दें खाली, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। जो बोल्ड में लिखा है आप इतना ही लिखते हैं तो काफी है, और अगर फर्दर लॉन्ग में आ जाता है तो आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं उन तमाम सब्सटेंस को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। ठीक है, आमतौर पे आयनिक सब्सटेंस जो होता है या पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं, वीक भी होते हैं स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करते हैं। अब ये फैराडे जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वो आयंस जो डिपॉजिट होता है, वो सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के जो हम उसके अंदर पास करते हैं, यानी करंट की जो क्वांटिटी होती है पास की जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा सब्सटेंस, और कम करंट पास करेंगे तो आयन या सब्सटेंस कम डिपॉजिट होगा। इसको इक्वेशन में इन्होंने जो बताया है, बताया क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए इंटू टाइम। ए आपका एम्पियर है, करंट है, डब्ल्यू जो है उसका वेट है जो कि भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, और टी टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू। अब क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू जो है वो हम कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी है करंट की उसको हम कह रहे हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, अब आई जो है वो करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आई कितना होगा, चार्ज कितना होगा, वो होगा क्वांटिटी ऑफ करंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल के बैंड के लिए आप उसको करें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जब हम इसको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे टाइम को, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी करंट ऑफ टाइप मल्टीप्लाई बाय टाइम वी कैन प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, पास जो हम कर रहे हैं, क्वांटिटी जो हमारी पास हो रही है करंट की वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पियर पे और मल्टीप्लाई बाय टाइम पर। अच्छा, डब्ल्यू क्या है? वेट, किसका वेट है जो कि हम डिपॉजिटेड जो सब्सटेंस हमारा हो रहा है उसका वेट है। ठीक है, या लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट है। कहाँ पे डिपॉजिट या लिबरेट होगा? इलेक्ट्रोड पे होगा। अब एक यहाँ पे कौन कौन सी चीजें रहेगी? ए रहेगी। ए क्या है? करंट इन एम्पियर, एम्पियर में मेजर करें करंट को। ठीक है, टाइम किसको में मेजर करें? सेकंड में, टाइम इन सेकंड। और जेड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम इस्तेमाल करते हैं जेड के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एम्पियर इंटू टाइम इज इक्वल टू कूलम। जो कूलम जो है हम करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, हमें पता है 1 एम्पियर, एम्पियर की वैल्यू अगर 1 होगी और टाइम जो है 1 सेकंड के लिए होगा तो डब्ल्यू बराबर होगा जेड के। ये जो डब्ल्यू है ये जेड के बराबर होगा। कब? जब 1 एम्पियर और 1 सेकंड के लिए हम करंट पास करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होगा उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? जेड होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस कलेक्टेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट फॉर अ 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड के लिए अगर हम 1 एम्पियर कहीं से पास करें तो जो मास डिपॉजिट होगा उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो करंट वहां पे पास किया जाएगा उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको हम किसे रिपेयर करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको लिखना क्या है, स्टेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना करंट पास करेंगे इतना ही वो सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक,
अब इसका दूसरा पार्ट जो ये था, पहला फैराडे लॉ था, सेकंड फैराडे लॉ जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे आ जाते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। अब जैसे बैटरी होती है वो सीरीज ऑफ सेल्स होती है, उसके अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल सेल अटैच होते हैं, हर सेल के अंदर सेम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, सेम भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो हर एंड के एक हर कंटेनर के अंदर, हर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो मास डिफरेंट डिपॉजिट होगा। वो डिपेंड करता है कि अपना कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उस सेल के अंदर प्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा एक एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट हमारे पास है, मास से इक्वल मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक वेट लेंगे, उसको वैलेंस से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है और इसकी वैलेंस ये ग्रुप 3 का है तो +3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम को लेंगे तो 23 से और 1 से डिवाइड करेंगे तो 23 ग्राम आ जाएगा। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 24 हमारे पास होगा, 24 को मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो 2 वैलेंसी 2 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह सिल्वर को हम लेंगे Ag, तो इसका जो मास होता है 107.5 होता है, तो हम 108 ले लेते हैं और इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, ठीक है +1 ये शो करता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम होगा। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, ये हर एलिमेंट का अलहदा होगा, किसी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है ये रिलेशनशिप है बिटवीन मास ओवर चार्ज, जो भी चार्ज इसका बन रहा है या जिस जो भी इसकी वैलेंसी है वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे, उसके एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे, एटॉमिक वेट को कह सकते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिटर और लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड 1 फेरेडे। अगर 1 ग्राम किसी भी चीज का डिपॉजिट हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 फेरेडे काउंट करते हैं। और फेरेडे की क्वांटिटी क्या है, 1 F कितना किसके बराबर है, 93,500 कूलम के बराबर होता है। इस तरह इसके अंदर आपको सिर्फ स्टेट करना है, तो आप ये जो बोर्ड से लिखा है ये और ये इक्वेशन लिख दें तो काफी होगा। और अगर डिस्क्रिप्शन के लिए आता है, डिस्क्राइब करने के लिए आता है, तो आप फर्दर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते क्या है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग चार्ज ट्रांसफर थ्रू एन इंटरफेस, यानी किसी सॉलिड इंटरफेस से जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे उसके दरमियान चार्ज का ट्रांसफर होता है, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर से मतलब क्या होता है, ये कैटाइन और एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम जो होता है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टिंग सिस्टम, उस पूरे सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डुअल स्टेट है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। ये जो लॉस और गेन वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसको हम देख लेते हैं। सब्सटेंस जो हमारे ऊपर है बॉन्डिंग है, हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो आपको पता है वो कैटाइन और एनायन के दरमियान होती है, तो कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब बनता है और एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि कैटाइन और एनायन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी आयनिक बॉन्डिंग होती है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, वो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके दरमियान आयंस मौजूद होते हैं, आयन फ्री टू मूव होते हैं, और कब एक फ्री टू मूव होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब ये फादर हम इसको कह सकते हैं कि कहाँ कौन से सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या आयन मूव करते हैं, वो एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं या सॉल्ट हो सकते हैं, यानी एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा और सॉल्ट यानी भी है, तो वो मोल्टन स्टेट में एक्वस स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, जैसे HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो NaCl ये स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है जैसे सिल्वर क्लोराइड है, कार्बोनिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट कर नहीं करे। अगर आपने जहन में बॉन्डिंग को लाए तो आपको पता होगा कोवेलेंट जो होता है नॉन पोलर, वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो उनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है जो मूव करे, तो उनको हम कंसिडर करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम फॉर्म आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो सारे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल यहाँ पे है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, यूरिया है, और कैसे प्लास्टिक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, डिस्क्राइब करना है आपको, क्या डिस्क्राइब करना है आपको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बताना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको किसकी बेसिस पे करना है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो हम इसको फर्दर देख लेते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है, और सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड एट विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर। और ये किस पर होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं उसके अंदर होता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव इन नेचर है और एनोड आपका पॉजिटिव इन नेचर है। तो कैट आइन जब वहां जहां पर आएंगे उसको हम कैथोड कहेंगे, एन आइन जहां पर आएंगे उसको एनोड कहेंगे, ठीक है। अब इस बात को जहन में रखते हुए हम देखते हैं कि कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होते हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं, वो फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो सकता है, एक गैल्वेनिक या वॉल्टिक वॉल्टिक सेल होता है, ठीक है। वॉल्ट से वॉल्टिक, वॉल्टन ने इसको डिस्कवर किया था, तो वॉल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिटिक, दो कैटेगरी है, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, ये वो सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। और दूसरा गैल्वेनिक जो है वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी वो प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कौन सा, ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी ये फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी पड़ेगी फिर रिएक्ट करेगा। जबकि ये हमारे पास वॉलेटिक या गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होने की वजह से वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। अब इसको हम फर्दर एग्जाम्पल दे सकते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे होगा। जो सेल होता है ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक ही वेसल के अंदर होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो एक वेसल के अंदर नहीं होते, टू दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है, टू हाफ सेल होते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, ये डिप होते हैं हमारे जो है, ये कनेक्ट होते हैं आपस में, कनेक्ट किससे होते हैं, ये यू ट्यूब की शेप होती है, ग्लास की शेप ट्यूब ट्यूब होती है, उससे ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन कैथोड पे देख लेते हैं, कैथोड आमतौर पे जाहिर है पॉजिटिव इन नेचर है, एक मेटल को हम मेटल आयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त मेटल आयन उस वक्त बना था जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन वापस गेन करेगा कैथोड पे जाके, कैथोड जो है रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा मेटल सॉलिड बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे रिडक्शन कहेंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई। नॉन मेटल जो होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, उस पर नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो उस वक्त आया था जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, अब इलेक्ट्रॉन वो वापस लूज कर देगा, जब लूज कर देगा तो वो मेटल नॉन मेटल में बन कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। जबकि गैल्वेनिक सेल जो है वो टू हाफ में होता है और कनेक्ट किससे होता है, यू ट्यूब की सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक हम इंसुलेटर के तौर पे कोई भी हम केमिकल डाल सकते हैं, वो ज्यादातर पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है क्योंकि वो इनसे सॉलिड होता है, सॉलिड होता है तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पास होंगे, ठीक है। इसको फर्दर हम डायग्राम आगे देख लेंगे। अच्छा, इसको हम टू हाफ में करेंगे, इसके अंदर जो रिएक्शन होता है एनोड पे मेटल होगा, मेटल सॉलिड है, ठीक है, वो आगे जाके क्या करेगा, मेटल आयन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये रिएक्शन कौन सा है, चूंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है।
एनोड पर। कैथोड पे क्या होगा, ये जो मेटल आयन आया था इसके ऊपर जो चार्ज था वो उस वक्त आया था जब से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। कैथोड पर रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन करेगा और क्या बन जाएगा, दोबारा मेटल सॉलिड बन जाएगा। इस तरह ये कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होता रहता है, रिएक्शन रिडॉक्स ही होता है दोनों के अंदर। ये विद इन अ वेसल होता है, ये विद इन टू वेसल होता है, ये डायरेक्टली नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, और आपस में दोनों जो वेसल होते हैं वो सॉलिड ब्रिज से अटैच होते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। राइट डाउन द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमें आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक लेनी है। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको आयनिक कंपाउंड को डिफाइन कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है, डेट आर चार्ज पार्टिकल व्हेन अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है, दे बिकम द चार्ज पार्टिकल। और कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो ये इन दोनों की अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है और आयनिक सब्सटेंस बन जाते हैं। अ कैटाइन इज एन आयन चार्ज पॉजिटिवली एंड एन आयन इज एन आयन चार्ज नेगेटिवली। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, एन आयन नेगेटिव। जैसे NaCl, Na आयन प्लस Cl क्लोराइड, एन Na और Cl बन जाएगा, ये न्यूट्रल होगा। Mg+2 और इस पे चार्ज होगा, ऑक्सीजन में -2 ऑक्साइड होगा, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। इससे कैल्शियम+2 चार्ज होगा, क्लोराइड -1, दो क्लोराइड मिलकर एक कैल्शियम एटम के साथ कैल्शियम आयन के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। अब ये आपको स्ट्रक्चर का इसकी डेफिनेशन समझ आ गई, अब इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं आयनिक सब्सटेंस की। क्रिस्टल होते हैं, दे आर फॉर्म क्रिस्टल यानी सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टल आप किसको कहेंगे, सॉलिड होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, मोल्टन या लिक्विड स्टेट में करेंगे। अच्छा, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड इंसुलेटर ऑल्सो। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे और ये गुड इंसुलेटर के तौर पर काम करेंगे। चार पॉइंट आप लिख, इसमें से तीन पॉइंट जो आपको मुनासिब रखें आप उसको लिख लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये न्यूमेरिकल आपको करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। किसमें कैलकुलेट करना है, अगर 20 ग्राम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम हमें किसका निकालना है, हमें मास इन ग्राम किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम दिया, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास सामने है, Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 ग्राम मास आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 20, मास इन ग्राम 20 था, मोलर मास 40 था, 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, हमने 0.5 लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10²। इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे लाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 × 6.022 × 10²। पावर को इसी तरह छोड़ दें, 0.5 को मल्टीप्लाई कर लें 6.022 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.011। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट को इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10³ एज इट इज कॉपी डाउन कर ले, तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो क्या आ गया, 3.011 × 10²23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। इस मेथड से आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन आपको मास ऑफ सब्सटेंस है यानी मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, और कौन सा सब्सटेंस है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। दो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मिल्क इज अ
कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हमें पहले कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देने की देखनी पड़ेगी, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मिल्क जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अच्छा, हम किसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन? कंटेन्स पार्टिकल दैट रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड। अगर पार्टिकल के अंदर सस्पेंड है, कोई भी लिक्विड के अंदर पार्टिकल सस्पेंड है, और वो होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए, ठीक है? यानी ऐसा नहीं होता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और आपको शेक करके यूज करना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर शेक करना पड़े तो वो सस्पेंशन होगा। कोलाइडल सोल्यूशन हम उसको कहेंगे कि जब सस्पेंडेड पार्टिकल है वो बहुत माइन्यूट और बारीक होने चाहिए, और वो सस्पेंडेड होने चाहिए थ्रू आउट द मीडियम। तो मिल्क इज अ कोलाइड कोलाइड बिकॉज इट कंटेन्स पार्टिकल दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। मिल्क अपीयर्स टू बी होमोजीनियस मिक्सचर। मिल्क अगर देखें तो होमोजीनियस है, ठीक है? एज स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन के छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं, दे डू नॉट सेटल आउट, ये सेटल आउट नहीं होते आफ्टर स्टैंडिंग ड्यू टू द पार्टिकल। अगर हम इसको देर तक भी रख देना तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म होते हैं, डिस्पर्स होमोजीनियस मिक्सचर है, और पार्टिकल सस्पेंडेड है होमोजीनियस। तो मिल्क क्या हुआ? कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे स्टेटमेंट है गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली। गैसेस जो है वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड कर लेते हैं कोई, ठीक है? तो हम कहते हैं डिफ्यूजन इज डिफाइंड, पहले डिफ्यूजन देख लेते हैं। ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये प्रॉपर्टी है गैसेस की, क्या है कि वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं, और कोलाइड करते हुए होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। जैसे इस परफ्यूम स्प्रे करें तो कैसे रूम के अंदर पूरी स्प्रेड हो जाती है स्मेल, इसी तरह घर में किचन में कोई चीज बन रही हो स्पेशल स्पाइस की स्मेल हो तो पूरे घर में फैल जाती है। तो इसी तरह जो गैसेस है वो क्या होते हैं, एक तो साइज उनका बहुत ज्यादा कम होता है, मूवमेंट रैंडम होती है, और कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, और वो ये होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं, जहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं। अब हमें किसका बताना है, हमें गैसेस का बताना है। पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली, वेयर एज अ पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोली एज कम्पेयर टू द गैस पार्टिकल, ठीक है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को की तरफ मूव करने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैसेस जो है जल्दी डिफ्यूज होती है क्योंकि उनके अंदर इलास्टिक जो अट्रैक्शन नहीं होती, वो जो दो दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। होप सो कि आप को इतना कंटेंट मिल गया हो कि आप आराम से इसकी प्रिपरेशन करें। अब हमारा तीसरा पार्ट जो लॉन्ग का है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसका इस तरह हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी तरह के क्वेश्चन करना चाहें तो कमेंट में एंटर बताएं। थैंक यू।